अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं बीफ बोटी। बीफ बोटी बनाने के लिए हमने सबसे पहले सिंपल बीफ ले लिया है जिसकी हमने इतनी बड़ी कटिंग कर ली है। हमारे पास ऑलमोस्ट ये 1.5 kg बीफ है। इसको हमने सबसे पहले पॉट में ऐड कर देना है। के बाद हमने एक बड़ी अनियन ले लेनी है। एक बड़े साइज़ की हम अनियन को बड़े पीस में कट कर लेंगे और ऐसे ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटोज हमें चाहिए 5 से 6 अदद। बड़े साइज़ के हमें 5 से 6 अदद टमाटोज चाहिए। हम ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 teaspoon हमें चाहिए हल्दी। धनिया चाहिए हमें 2 tablespoons। रेड चिली पाउडर हमें चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें 1.5 ऐड कर रही हूँ टेबल स्पून। और रेड चिली फ्लेक्स हैं हमारे पास, रेड चिली फ्लेक्स हमने ऐड करने हैं इसमें 1 teaspoon। ज़ीरा पाउडर हमने ऐड करना है 1 teaspoon। चाहिए इसमें हमने ऐड करना है 1 tablespoon। और अब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। 1/2 liter मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ और ये 25 से 20 मिनट में टेंडर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इस आपके मीट के हिसाब से टाइमिंग होगी, आप खुद चेक कर लीजिएगा आपका मीट कितना, बीफ कितना टाइम लेता है। 1/2 cup हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे अब, और मैं इसको प्रेशर में कुक कर दूंगी। आप चाहते हैं तो विदाउट प्रेशर भी कुक कर सकते हैं। प्रेशर में मैं इसको जस्ट 15 मिनट के लिए कुक करूंगी, ये टेंडर हो जाएगा। और हम इसमें 2 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और अब हम इसको कुक करने रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद हम मिलते हैं। 2 तेज़पत्ता भी हमने इसमें ऐड करना है और 1 बड़ी इलायची भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है और हम इसको अब कुक करने रखते हैं। हमने प्रेशर मैंने लगाया था इसमें, तो ये हमारा चिकन अच्छा सा ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है 20 मिनट्स में। आप अगर विदाउट प्रेशर कर रहे हैं तो आप इसकी टाइमिंग खुद देख सकते हैं कि हमारा बीफ कब तक टेंडर होगा। अब जो हमने ये टमाटोज लिए हैं इसकी सारी स्किन को हम रिमूव कर देंगे। सारे टमाटोज़ की हम जो ये स्किन है ऐसे रिमूव कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा जो वाटर है इसको ड्राई कर लेते हैं और इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करते हैं। अब हम इसमें 1/2 cup योगर्ट ऐड कर देंगे ताकि ये जो वाटर है इसके साथ ही योगर्ट का भी पानी रिड्यूस हो जाए और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। 2 tablespoon हम इसमें जुलियन कट जिंजर भी ऐड कर देंगे। देखिए इसका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है, भुनना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें इस पॉइंट पर और इसे अच्छा सा हम अब भून लेंगे। और इसमें हम 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। आप चाहते हैं तो कट करके भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें ऐसे ही ऐड करेंगे और हम इसको अच्छा सा बस भून लेंगे। ये देखिए हमारा इतना अच्छा सा सालन मसाला बोटी भून चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 teaspoon, 1.5 teaspoon चाट मसाला। 1/2 teaspoon हमें इसमें चाहिए गरम मसाला और हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बस हमें इसकी जस्ट मिक्सिंग करनी है और इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे हम डिश आउट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी मसालेदार बीफ बोटी रेडी टू ईट है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नान के साथ, घर की रोटी के साथ इसे सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग JFK चैनल। अल्लाह हाफिज़।